हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद परिंदे का आज का प्रोग्राम हमारा डेडिकेटेड है एपिसोड टू अ ग्रेट सोल, टू अ ग्रेट फाइटर, टू अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, टू अ ग्रेट फ्रेंड, टू अ ग्रेट क्रिकेटर। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिशन सिंह बेदी जी की। कुछ दिन पहले वो हमारे बीच में, मैं कहूंगा फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे। फिजिकल फॉर्म में इसलिए कह रहा हूं कि आनंद पिक्चर का एक डायलॉग आपको याद होगा, वो कहता है कि आनंद मरा नहीं है, आनंद मरा नहीं करते। बेदी साहब उस कैटेगरी में हैं, बेदी साहब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आप सब जानते हैं हम बचपन से उनके फैन हैं। मेरे को याद है कि जब से होश संभाला, क्रिकेट की समझ आई, क्रिकेट देखना सुनना पढ़ना पसंद किया, तब से बिशन सिंह बेदी हम सबके दिलो दिमाग में हमेशा छाए रहे, छाए रहेंगे। मेरी दोस्ती बेदी साहब से 2012 के आसपास हुई, जब BDCA में कुछ क्रिकेट का मामला चल रहा था, एक इलेक्शन आया, तो मैं भी DDCA का मेंबर हूँ, तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, यहाँ पर इतने वकील और जज DDCA के मेंबर हैं। तो मेरे को ध्यान है बेदी साहब वहाँ थे उस मीटिंग में, जब DDCA में मैंने ये अपनी तकरीर कह लो या अपना व्यू पॉइंट रखा। तो मेरे को आज इस बात को कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैंने उस महान शख्स के लिए क्या बात करी थी। मेरे को ध्यान है, मैंने कहा मैं इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार में, सुप्रीम कोर्ट में कई बार जीता हूँ, तो वकीलों का इलेक्शन जीता हूँ, तो इसका मतलब मुझे इलेक्शन लड़ना आता है, जीतना आता है, और मैं यहाँ भी जीत सकता हूँ, लेकिन क्रिकेट में मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। क्रिकेट में हमारे बॉस, हमारे कैप्टन, हमारे लीडर, हमारे स्टेट्समैन बिशन सिंह बेदी हैं। और मैंने ये लाइन बोली कि क्रिकेट में मैं बेदी साहब का ड्राइवर बन के काम करना चाहूँगा, ना कि लीडर बन के। तो तब से बेदी साहब से इतनी मोहब्बत रही। फिर हम पंजाब इलेक्शन में दोनों साथ गए, तो दो चार दिन वहाँ रहने का हमारा एक साथ टाइम मिला। बस फिर वो प्यार बढ़ता ही गया इतने साल। जब भी मन करता उनका नमक खाने का, तो गोल्फ क्लब हमें इनवाइट करते थे, वो गोल्फ क्लब में जाके उनके साथ खाना खाना। एक शाम मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि हम घर पे मिल रहे थे, कीर्ति आजाद, सुरेंद्र खन्ना, बिशन सिंह बेदी और मैं, हमको मिलना था। तो मैंने सुबह फ़ोन किया, मैं कहा भाजी की प्रोग्राम है, तुसी दसो बादशाह, दैट इज़ व्हाट हिज स्टाइल वाज लविंग। तो मैं क्या पहले खाना खवा दो, तो आ जाओ गोल्फ क्लब आ जाओ। तो मैं गोल्फ क्लब गया, उनके साथ खाना खाया, हम वापस में आए, तो कह रहे कितने बजे आना है उन्होंने, कीर्ति और सुरेंद्र ने। मैं क्या 6 बजे के करीब, ऐसी कुछ सैर करने हैं। He took me to that Rayasina Hill. जब हम अभी गोल्फ क्लब से निकले तो रायसीना हिल पर ड्राइव के लिए ले गए, गाड़ी चला रहे थे, और वापसी में इंडिया गेट पर रोक दी उन्होंने। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, मेरे को ध्यान है थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो कुछ नहीं, तो तकरीबन 1 घंटा वो मेरे को बाणी में कुछ ना कुछ सुनाते रहे कि बाणी में क्या क्या है। तो मैं तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट, जैसे हम पंजाबी में और हिंदुस्तान में घुटने टच कर देते हैं, नीज को टच करते हैं बड़े बुजुर्गों के, तो मैंने टच कर दिया। मैं क्या आज दे प्रवचन दाते, मज़ा आ गया। और मेरे और उनके बड़े कुछ पॉपुलर और कॉमन बानी और शायरी थी, जैसे बुल्ले शाह का वो हम दोनों बहुत अक्सर बोला करते थे कि बुलिया रबदा की पाना, अथों पुटना उत्थे लाना, बुल्ले शाह चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने, खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया जो डूबा सो पार, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए वो शाहों के शाह। तो पाजी के मैंने कई सारे ट्रिब्यूट पढ़े, सुरेंद्र खन्ना ने बहुत अच्छा लिखा, सुमित चौधरी ने एक बड़ा अच्छा बनाया, इंतखाब आलम का मैंने पढ़ा, तो पूरी दुनिया से उनको इतने जो ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं
और एक ने तो यहाँ लिखा कि बिशन सिंह बेदी एक ही थे अपने आप में, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा कि बिशन सिंह बेदी कभी पैदा नहीं होंगे। तो मैं तो क्योंकि एक मोटिवेटर हूं और बच्चों से बात करता हूं, उनको पूछता हूं कि ये क्या वजह थी, ये जानना चाहता है, खासकर नेक्स्ट जनरेशन को। मैं समझता हूं सही होमेज यही होता है कि उस शख्स की, उसकी शख्सियत के जो उसका किरदार था, उसका करेक्टर था, उसको फॉलो किया जाए। दैट इज द ट्रू होमेज टू ए ग्रेट मैन। तो क्या वजह थी कि वो इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, सब जगह इतने पॉपुलर थे? क्या वजह थी? खाली रिकॉर्ड बनाने से बंदा पॉपुलर नहीं होता। रिकॉर्ड बनाना कोई अल्टीमेट मंजिल नहीं होती। बहुत क्रिकेटर्स ने रिकॉर्ड बनाया, जैसे अलामा इकबाल लिखते हैं कि गुजर जा अक्ल के आगे के अनूर, चिरागे राह है चिरागे मंजिल नहीं है। तो रिकॉर्ड बनाना मंजिल नहीं हो सकता। वो बेदी साहब की रिकॉर्ड बनाना कोई मंजिल नहीं था कि 12 ओवर में 8 मेड इन किए तो वो रिकॉर्ड है, 1500 फर्स्ट क्लास विकेट लिए रिकॉर्ड है, वो अपनी जगह है। पर एक शख्सियत, जो किरदार, जितने मोहब्बती थे, जो स्टैंड लेते थे लाइफ में, करेक्टर था, वाणी की इतनी नॉलेज थी, संत थे वो, एक्चुअली वो संत थे और है, जो भी आपको कि साधु सोए छानिए जो चले साधु की चाल, परमारथ राता रहे बोले वचन रसाल। कितना मीठा बोलते थे, लेकिन मीठा बोलते थे लेकिन स्टैंड लेते थे, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। निर्भो निर्वैर, जिन क्रिकेटर्स ने कुछ उल्टा भी किया तो उनसे वैर नहीं था, उनका स्टैंड लेते थे, वैर किसी से नहीं था। तो ऐसे बिशन सिंह बेदी कैसे थे? इसलिए वो पॉपुलर हुए, इसलिए हरदिल अजीज थे। तो ये किरदार हमें बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहिए कि ऐसे बनो, जो गीता में भी आता है कि जो महापुरुष करते हैं वो लोग फॉलो करते हैं। तो जो महापुरुष ने किया, जो संत ने किया, रियल ट्रिब्यूट टू बेदी साहब पाजी वुड बी अगर हम उसको फॉलो करें। तो मैंने सोचा कि आज कुछ दिन हो गए, काफ़ी लोगों का मैं पढ़ रहा था, मैं क्योंकि न्यूयॉर्क में हूँ, मैंने परिवार से माफ़ी भी मांगी, दोस्तों से, कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। लेकिन एक बात पक्की है, मैं समझता हूँ कि बिशन सिंह बेदी पाजी जैसा क्रिकेटर, मैं समझता हूँ सब बने तो अच्छा है, ऐसा सब लोग हों तो अच्छा है। मैं सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि पाजी का इतनी बार नमक खाया है, अंजू भाभी का इतना नमक खाया है, तो मेरे को अभी तक याद है वो अशोक जी कहते थे, तो मैं कहता था मैनू जी क्यों कहते हो तुसी, मैं तुहाड़े तो अकल च भी छोटा 500 साल और उम्र भी छोटा 10 साल, अशोक बुलाया करो ना, और नहीं अशोक जी, ये उनका स्टाइल था। अब जी कहने से कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती, या जो अशोक कहते हैं वो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। अब कुछ क्रिकेटर्स हैं जैसे सुरेंद्र है, वो तो अशोक ही बोलते हैं, वेंकट सुंदरम है वो अशोक बोलते हैं, दैट इज नो डिसरिस्पेक्ट। या अगर सुनील मित्तल या सुमित चौधरी या अशोक गुलाटी अगर अशोक जी बोलते हैं, हरि गिडवानी, तो दैट डजंट मीन कि वो जो जी बोलता है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं, या जो खाली अशोक बोलता है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पाजी में जो एक किरदार था, एक करेक्टर था, मैं समझता हूँ कि रियल होमेज टू पाजी इज टू फॉलो हिज स्पिरिट। और एक और बात मैं ज़रूर, मैं समझता हूँ करना ज़रूरी है हमारे लिए, जो हमने अंगद को देखा, पाजी के बेटे जो एक्टर हैं, अंगद द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ, माई सल्यूट टू पाजी एंड अंजू भाभी कि आपने ऐसे अच्छे बच्चे, नेहा और अंगद जैसे बच्चे गिफ्ट किए हैं एक सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को। ही वॉज सो काम, सो कूल अंगद। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंगद, यू हैव लिव्ड दैट कपलेट या वो श्लोका, वहाँ जो बाणी पाजी के बड़े दिल के करीब थी, मैं उनसे अक्सर शेयर किया करता था कि जित मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद। तो पाजी हमारे पूर्ण परम आनंद में हैं, और अंगद ने यह साबित किया कि यस, मुझे पता है कि वो पूर्ण परम आनंद में है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, एट द एंड लॉन्ग लिव मेमोरी एंड करेक्टर एंड द आइडियाज ऑफ बिशन पाजी, माई सल्यूट टू बिशन सिंह बेदी द ग्रेट। मैं सब दोस्तों को फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि पाजी की फैमिली के लिए, अंगद, नेहा, अंजू भाभी और सभी दोस्तों के लिए, कोई भी शख्स
पाजी के रेफरेंस से मेरे को ईमेल करें। आई एम ऑलवेज ए टेक्स्ट अवे। माय ईमेल इज ashok@2310gmail.com। थैंक यू पाजी फॉर सो मच लव एंड अफेक्शन, फॉर सो मच लव विच यू शेयर्ड विद पीपल, सो मच नॉलेज विच यू शेयर्ड विद पीपल। थैंक यू, बाय।